ओमान सरकार का ऐलान, आपको 2 साल पूरा करो आपको 660 रियाल मिलेगा और इससे भी ऊपर मिल सकता है। क्या हिसाब किताब क्या है, मैं आपको इस वीडियो में अच्छी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो के ऊपर फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिल सके ओमान देश के बारे में। तो चलिए ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे पासपोर्ट से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड तमाम तरह की जो जानकारी होती है हमारे चैनल पर दी जाती है, तो प्लीज़ अपने भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप ओमान के अंदर में 2 साल पूरा कर लेते हैं तो 2 साल के बाद आपको 2 लीव सैलरी और जो है आपको 2 ग्रेजुटी मिलता है, उसके बाद जो है आपको 660 रियाल बनता है। लेकिन कैसे बनता है ये भी समझ लीजिए। ओमान देश के अंदर में 2 साल पूरा करने के बाद आपको बहुत सारे फायदे हैं, ऐसा नहीं है कि आप 1 साल कंप्लीट करेंगे तो आपको ये फायदा मिलेगा, नहीं, आपको 1 साल पे कोई फायदा नहीं है। आप 1 साल पर घर जाते हैं तो आपको खुद का टिकट होगा और खुद का जो है आपको सब कुछ होगा, तब आप घर पे जा पाएंगे। लेकिन 2 साल पूरा करते हैं ओमान के अंदर में तो आपको जो है बहुत सारे बेनिफिट हैं। बेनिफिट क्या है, सबसे पहली बात समझ लीजिए, ओमान के अंदर में अगर कोई भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप जब शुरुआती में काम करते हैं तो आपको 1 महीने का पैसा आपको नहीं मिलता है। वो आपको कब मिलता है, जब आपको 2 साल पूरा होता है तब वो मिलता है। उसके बाद जो है आप फिर एक पेंडिंग होने के बाद फिर 2 महीने में आप जो है काम करते हैं तो उसका जो है पैसा जो है आप करते करते रहते हैं, 2 साल हो जाता है, वो 2 सैलरी आपका पेंडिंग हो जाता है। जब आप ड्यूटी बंद कर देंगे वो 2 सैलरी आपका पेंडिंग में रहेगा। उसके हिसाब से अगर आप जोड़ते हैं तो आपको कितना होता है, अगर मान के चलिए कि अगर आपका सैलरी 120 ओमानी रियाल है तो आपको जो है अगर ओवर टाइम भी करते हैं, 2 घंटा भी अगर ओवर टाइम करते हैं आप, तो आपको जो है 150 दिनार बनते हैं, 150 से ऊपर भी बनेगा, लेकिन मैं 150 माना हूँ आपको। तो 150 ओमानी रियाल प्लस जो है एक और सैलरी जो है 150, कितना हो जाएगा 300 ओमानी रियाल, तो यही हो गया। उसके बाद जो है आपको 2 लीव सैलरी बनता है। 2 लीव सैलरी कितना होता है आपका, अगर आपका सैलरी बेसिक सैलरी जो है अगर 120 ओमानी रियाल है तो आपको 2 सैलरी का कितना हो जाएगा, 2 साल का 2 लीव सैलरी बनता है तो आपको कितना हो जाएगा 120 और 120 यानी कि 240 ओमानी रियाल आपका ये हो गया 2 लीव सैलरी। उसके बाद आपको और भी बेनिफिट मिलते हैं। बेनिफिट क्या होता है, ग्रेजुटी किसको बोलते हैं पहले ये समझ लीजिए। अगर आप 1 साल करते हैं तो 1 साल का जो लीव सैलरी होता है 120 ओमानी रियाल, उसका जो है 15 दिन का जो है 1 साल में 15 दिन का ग्रेजुटी मिलता है। 15 दिन का अगर हिसाब करते हैं तो कितना होता है, 60 ओमानी रियाल। उसके बाद जो है अगर 2 साल करते हैं तो कितना बनता है, यानी कि उसका भी 60 ओमानी रियाल, दोनों मिला के कितना हो गया 120 ओमानी रियाल, यानी कि टोटल आपका कितना हो गया 660 ओमानी रियाल। 120 ओमानी रियाल सैलरी है तब, अगर आपका 150 ओमानी रियाल बेसिक सैलरी है तो ओवर टाइम करके आपको तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने आपको एक बारीकी से समझाई है कि ओमान के अंदर में 2 साल कंप्लीट करने के बाद आपको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट है, तो इन बेनिफिट के लाभ उठाइए, 2 साल जरूर कंप्लीट कीजिए, चाहे सुख से चाहे दुख से। अगर 2 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको घर जाने के टाइम में कम से कम आपको जो है पॉकेट में 1 से 1.5 लाख रुपए होते हैं। वो 1 से 1.5 लाख रुपए आपको जो है बहुत मेहनत करने के बाद, 2 साल कंप्लीट करने के बाद मिलते हैं। तो इसीलिए कभी भी ओमान के अंदर में 2 साल जरूर कंप्लीट कीजिएगा। तो इसके बारे में अगर और अच्छी से आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं और भी अच्छी से अच्छी जानकारी मैं दे सकूं। और मैं बोल दूं कि ओमान के अंदर में अभी 2023 में जो है कि आपको जो है बोनस और ग्रेजुटी चाहे जो भी है सैलरी है आपको 20% की बढ़ोतरी हुई है ओमान के अंदर में। अगर जिस भाई का सैलरी अगर 120 ओमानी रियाल है तो उसका 10% 20% और बढ़ जाएगा। इस बात का भी ख्याल रखिए कि ओमान के अंदर में ऐसा नहीं है कि सैलरी नहीं है, सैलरी है, बस सही जगह से जाने की ज़रूरत है। अगर जो सही जगह से चला गया उसके लिए ओमान अच्छा है, अगर जो गलत जगह से चला गया तो उनके लिए ओमान अच्छा नहीं है। मैं इसलिए आपको बार बार यही बोलता हूँ कि कभी भी अगर ओमान देश जाना है तो ब्रांडेड ऑफिस से जाइए। ब्रांडेड ऑफिस से जाने में आपको क्या क्या बेनिफिट होता है ये भी जान लीजिए। पहली बात, आपका पैसा जो है कम लगेगा। दूसरी बात, आपका पैसा डूबने का चांस नहीं रहेगा। तीसरी बात, आपको कंपनी अच्छा मिलेगा, जो है ब्रांडेड कंपनी होती है, जो अच्छी कंपनी है
वो आपको मिलेगी ब्रांडेड ऑफिस से, लोकल ऑफिस से नहीं मिलेगी। लोकल ऑफिस में क्या होता है, कंपनी जब आती है इंटरव्यू लेने के लिए, उनको क्या चाहिए, उनको टेक्नीशियन नहीं चाहिए, उनको चाहिए सिर्फ लेबर। कम पैसे में उनको हर चीज़ मिल जाए, इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर टेक्नीशियन कम पैसे में उनको चाहिए। अच्छा इलेक्ट्रिशियन नहीं चाहिए, अच्छा प्लम्बर नहीं चाहिए, अच्छा टेक्नीशियन नहीं चाहिए, वो लोग वहाँ पर ले जाके आपको अच्छा बना देते हैं, लेकिन आपको जो है सैलरी के मामले में वही रहेगा, जित आपका बढ़ने वाला नहीं है, जितना है उतना ही रहेगा। तो मैंने आपको अच्छी से अच्छी जानकारी और अच्छी से अच्छी आपको समझा दी है, तो प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, खुदा हाफिज़।